हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप लोग देख रहे हैं टेक्नो गौर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है GB व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने GB व्हाट्सएप को अपडेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि GB व्हाट्सएप का एक न्यू अपडेट आया है और उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा क्या क्या न्यू फीचर्स आए हैं और कैसे आपको अपडेट करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं GB व्हाट्सएप के अपडेट की। तो GB व्हाट्सएप को अपडेट करने के लिए मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उस लिंक पे जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपने ब्राउजर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आप कुछ ऐसे पेज पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि इसमें थोड़ा सा आपको नीचे जाना है, आपको नीचे जाते रहना है। अब कुछ नीचे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मिरर डाउनलोड, एक डायरेक्ट डाउनलोड। तो पहले आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करके देख लेंगे, अगर आपका ऐप वहाँ से डाउनलोड हो जाता है तो ठीक है, वरना अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, मिरर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप कुछ ऐसे पेज पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आपको यहाँ पे GB व्हाट्सएप जो लिखा है इस पे आपको एक बार टैप कर देना है। तो जैसे आप इस पे टैप करेंगे आपको डाउनलोड का यहाँ पे नीचे पॉपअप हो जाएगा, इसमें आपको ओके कर देना है। तो आपका ऐप जो है कि सक्सेसफुली यहाँ से डाउनलोड होने लगेगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आपका ऐप जो है कि डाउनलोड हो जाता है, अब अपने ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसमें आपको अपने पहले वाले GB व्हाट्सएप को डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट उसी पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपका ऐप जो है कि अपडेट हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो कि कुछ न्यू फीचर्स आए हैं, जैसे तीन न्यू फीचर्स आए हैं, तो तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो फीचर है वो है डाउनलोड फॉर व्यू वंस इमेज आर वीडियो। जैसे आपको कोई भी इमेज या वीडियो मतलब सेंड करता है तो आप चाहे तो उसको एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो आप कभी भी उसको वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी सेकेंड ऑप्शन आया है कि व्यू ऑल मैसेज बाई सेंट बाई कॉन्टेक्ट इन ग्रुप। जैसे ग्रुप में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन अगर आपको पार्टिकुलर किसी वन पर्सन का मैसेज देखना है तो आप उस पर्सन के एक बार नेम पे क्लिक कर देंगे, जैसे चैट में जो नेम दिखता है उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको पूरा उस व्यक्ति का मतलब उस पर्सन का पूरा मतलब SMS एक साथ शो हो जाएगा। और थर्ड अपडेट आ रहा है कि ऑप्शन टू चेंज ऑनलाइन डॉट कलर। तो आपको पता होगा GB व्हाट्सएप में होम स्क्रीन पे एक ऑनलाइन डॉट का एक कलर दिखता है कि कौन सा पर्सन ऑनलाइन है कौन सा नहीं ऑनलाइन है। अगर ऑनलाइन होगा तो ग्रीन कलर का पहले ट्रिक दिख जाता था, तो अब क्या हुआ है कि उसी ट्रिक का आप कलर चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं। तो बस यही खास तीन अपडेट आए थे और बाकी इसमें कोई न्यू अपडेट नहीं आया है। बाकी कुछ पहले के जो बग थे वो सॉल्व किए गए हैं। जैसे कि बग पहले ये था कि जैसे आप बैकग्राउंड वॉलपेपर अपना सेट करते थे व्हाट्सएप में तो आपका व्हाट्सएप बंद हो जाता था, तो उसको फिक्स कर दिया गया। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती थी GB व्हाट्सएप में वो ये था कि अगर आप अपना वो नोटिफिकेशन जो था पॉपअप नोटिफिकेशन GB व्हाट्सएप का बहुत सारे लोगों के पास नहीं आता था, पर अब जो है कि उसको फिक्स कर दिया गया और वो जो नोटिफिकेशन है सभी लोगों के फ़ोन में आएगा। बाकी यही कुछ न्यू अपडेट था और कुछ बग्स को सॉल्व किए गए, बस इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।